अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम जो है विंडोज़ और इसके साथ साथ यहाँ पे डोर्स और को टैग्स कैसे लगाते हैं, और इसके साथ साथ जो है हमने रूम्स को जो है डिफरेंट कलर से कैसे शो किया, और यहाँ पे डायमेंशंस आप देख सकते हैं ये हमने कैसे लगा दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो मैं आप लोगों को स्टेयर बनाना सिखाऊँगा, ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप रूफ तक कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 3D के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करना है यहाँ पे रूफ़ लेवल तक। ठीक, अच्छा मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लो लेवल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। अभी मैं जो है यहाँ पे स्टेयर बनाना शुरू करता हूँ। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने जो है गौर से देखना है, क्योंकि अक्सर जो होते हैं स्टूडेंट्स उनको यहाँ पे मुश्किल आता है स्टेयर्स बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आर्किटेक्चर्स में आता हूँ। आर्किटेक्चर्स में यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे स्टेयर है। ठीक है, इस स्टेयर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये मैं थोड़ा आप लोगों को स्लो बताऊँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। स्टेयर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी स्टेयर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं मोनोलिथिक स्टेयर चूज़ करूँ, ओके, और इसके साथ स्टेयर चूज़ करने के बाद आप लोगों ने जो है लेवल का ख्याल रखना है। मुझे यहाँ पर ये स्टेयर देना है, ग्राउंड फ्लोर लो लेवल से देना है, ग्राउंड फ्लोर हाई लेवल तक नहीं। हमने जो है ग्राउंड फ्लोर लो लेवल से लेकर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर लेवल तक हमने देना है। ठीक है, लेवल 2 से लेवल 4 तक। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अप्लाई कर लेता हूँ। ओके, अब इसमें क्या करना है, कुछ और भी चेंजेस करने हैं। एडिट टाइप के ऊपर क्लिक कर दें आप, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम राइजर हाइट जो है मैंने उसको देना है 15 सेंटी, और मैक्सिमम ट्रेड का जो डेप्थ है वो मैं इसको देता हूँ 30, और ये हमारे पास जो है मिनिमम रन विड्थ, मैं मिनिमम रन विड्थ जो है उसको मैं देता हूँ 130, और इसके अलावा और चेंजेस मैं नहीं करता हूँ। और इसको मैं अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए जब मैं स्टेयर जो है अब स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्केच, यहाँ पे देखिए स्केच, क्रिएट स्केच, इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल स्ट्रेट से बता देता हूँ। स्ट्रेट के ऊपर जो है स्ट्रेट स्टेप के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ से जहाँ से आप लोगों ने बनाना है वहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, मैंने यहाँ से बनाना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखिए अभी क्या मुश्किल आ रहा है, इसमें मुश्किल ये आ रहा है कि ये जो मैं अभी बना रहा हूँ बिल्कुल सेंटर से आ रहा है, तो उसको मैंने जो है लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं रन जो है लेफ़्ट साइड पे क्लिक करूँगा। देखिए अभी जो है हमने एक स्टेप बनाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। अच्छा अभी अगर इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं ऊपर जाऊँगा यहाँ पे नीचे बता रहा है कि आप लोगों ने अभी 6 राइज़र बना दिए और 22 रिमेनिंग है। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि अभी जितने भी हमारे पास जो होंगे राइज़र, ये कैलकुलेशन जो है रेविट करता है राइज़र के हिसाब से। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक जो है हमारे पूरे कैलकुलेशंस करता है कितने राइज़र आएंगे। ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास 28 नंबर्स आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा अभी मैंने 7 राइज़र बना दिए तो वो कितने बना रहे हैं, 19 अभी रिमेनिंग है, 9 बना दिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है मैं 15 राइज़र बना लेता हूँ, और कितने बाकी हो गए, 13 हमारे पास रिमेनिंग हो गए। इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे कुछ एरो शो कर रहा है, द एक्चुअल ट्रेड डेप्थ ऑफ द स्टेयर इज़ लेस देन द मिनिमम ट्रेड डेप्थ स्पेसिफाइड इन द स्टेयर टाइप। अच्छा इसको भी मैं ख़त्म कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमने 28 दिया है, वहाँ पे हमने 30 दिया था, तो इसको भी मैं 30 करता हूँ और अप्लाई कर लेता हूँ, तो एरर भी ख़त्म हो गया। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बना दिया, और ये कमांड हमारे पास एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव है तो मैं यहाँ से दोबारा दूसरा जो है स्टार्ट कर लेता हूँ स्टेयर। यहाँ से ऊपर जाएंगे और इसके साथ लैंडिंग के बाद हमने ये भी बना दिया। देखिए मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो देखिए हमारे पास जो है 13 राइज़र क्रिएटेड और 0 रिमेनिंग, हमारे पास पूरा यहाँ तक फाइनल हो जाएगा इसका राइज़र का जो है हायर ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक। ठीक हो गया, मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर हमारे पास कितना आ गया, फर्स्ट फ्लोर तक हमारे पास इतने राइज़र बन जाएंगे, टोटल 28। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा लैंडिंग को एडिट करता हूँ, ये बाहर गया इससे, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। इसको मैं ओके करने के बाद अगर मैं 3D में देखूँगा, 3D के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह कुछ स्टेयर आप लोगों को नज़र आएगा। देखिए मैं अगर स्लैब के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कि स्लैब के नीचे जो है हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का जो है वो सारा जो है स्टेप बन गया। अच्छा, अगर आप लोगों को यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है स्लैब तो उसको आप हाइड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, हाइड बाय एलिमेंट से आप उसको हाइड कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जी कि मैं इसको जो है ये वाला रेल मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। एक रेल हमारे पास ये अंदर वाला काफ़ी है। अच्छा, ये हो गया। अभी जो है मैंने जो स्लैब हाइड किया था उसको हम अनहाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए रिवील हिडन एलिमेंट्स लेकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो स्लैब हमने हाइड किया था उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे अनहाइड एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको फिर कैंसिल करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो है वो स्लैब वापस आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी स्लैब जो है हमारा जो स्टेप बन रहा है वो स्लैब के अंदर हमारा आ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्लैब को जो है ओपनिंग कैसे बनाते हैं, उसकी ओपनिंग हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आर्किटेक्चर्स में आता हूँ, आर्किटेक्चर्स में फिर यहाँ पे देखिए ओपनिंग नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं शाफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे हम ओपनिंग इसका बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ इस कॉर्नर से लेकर मुझे जो है ओपनिंग बनाना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ओपनिंग बनाना है और इसको जो है मैं ओके कर लेता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ। और अभी अगर मैं 3D में देखूँगा तो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर से हमारे पास जो है फर्स्ट फ्लोर तक हमारे पास ओपनिंग आ गई है। अच्छा, अब ये स्टेयर जो है मुझे रूफ़ तक ले जाना है, तो वो मैं कैसे लेके जाऊँगा, इसको ये स्टेयर को सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। पेस्ट के ऑप्शन के ऊपर जहाँ पे जो एरो नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे फर्स्ट फ्लोर लेवल के ऊपर देना है, तो मैं फर्स्ट फ्लोर लेवल के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास जो है वो कितना हो गया, फर्स्ट फ्लोर में भी हमारे पास आ गया। ठीक हो गया, तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक हमारे पास आ गया। अभी क्या मुश्किल आ रहा है इसमें, यहाँ पे देखिए ये जो रेल है इसके साथ जॉइंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे जॉइंट करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस रेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ एडिट पाथ के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर मैं इसको टॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि वो हमें ऊपर से नज़र आ जाए। ठीक है, अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने सेलेक्ट किया था इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया रेल को। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ख्याल आप लोगों ने ये करना है, इसको यहाँ पे स्प्लिट करना है। ठीक है, ये स्प्लिट हम क्यों करते हैं, इस पॉइंट पे मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, ये इस वजह से मैंने स्प्लिट किया क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है नीचे से वो अलग होगा और ये स्प्लिट के बाद ये हमारे पास अलग बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब मैं यहाँ से एक और लाइन ले लेता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ से इस रेल के हिसाब से बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं स्किप करता हूं और इसको ओके कर लेता हूं। अभी अगर मैं 3D में देखूंगा यहां से कॉर्नर से, ठीक है, ये देखिए हमने जो है इस रेल को जो है स्लोप दिया अलग से और इसके साथ यहां पे मिला दिया। अभी अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये देखिए परफेक्ट इसके साथ मैचिंग नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा जो है रिवेट में प्रॉब्लम होते हैं, इसका जो रेलिंग के हिसाब से है। अच्छा, इसको हम कैसे जो है बराबर कर सकते हैं, हम इसको इस तरह बराबर कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ नीचे वाले रेल के ऊपर और फिर मैं एडिट टाइप के ऊपर जाता हूँ। एडिट टाइप के बाद मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ ताकि जो है वो फर्स्ट जो फ्लोर है उसके रेल से इसकी जो रेल है वो प्रॉपर्टीज़ उसके चेंज हो जाए। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगे तो हम उसमें फिर काम कर सकते हैं। इसको मैं रेल का नाम दे देता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। अब जो है मैंने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें टॉप रेल जो है उसका हाइट 110 है, अगर मैं जो है उसको 125 पे चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको 125 किया, आप अपने हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं किस पे उसका जो है परफेक्ट मैच आता है। ये देखिए मैंने जो है 125 के ऊपर उसको जो है इसको मिला दिया। ठीक है, ये देखिए अभी हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर से लेकर हमारे पास रूफ तक ये है स्टेयर बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं जो है स्टेयर रूम भी बना लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, उससे पहले जो है मैंने फर्स्ट फ्लोर का जो है रूफ़ बनाना है, तो मैं रूफ़ लेवल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इस तरह हमारे पास नज़र आएगा। अच्छा, इसका हल क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे जो है अंडरले इसके ऊपर ऑप्शन में जो है हमारे पास अगर फर्स्ट फ्लोर लेवल को सेलेक्ट कर लूँ, अप्लाई करूँ, ओके, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अभी मैंने क्या करना है, उसका फ्लोर बना लेता हूँ। रूफ़ लेवल पे हूँ तो इसका मैं फ्लोर बनाऊँगा तो वो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब हो जाएगा। ठीक हो गया। मैंने आर्किटेक्चर में गया और इसके साथ जो है, सॉरी मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ आर्किटेक्चर, और यहाँ से जो है मैं आर्किटेक्चर फ्लोर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से, और ये सेम मैंने वही जो है स्लैब जो है यानी फ्लोर वही मैं सेम ले रहा हूँ 15 cm का, और इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ और येस कर लेता हूँ और इसको जो है अनजॉइंट कर लेता हूँ। अभी जो है मैं इसको 3D में अगर देखूँगा तो ये देखिए फर्स्ट फ्लोर का जो है हमारे पास स्लैब भी बन गया। अच्छा, अभी मैं रूफ़ लेवल के ऊपर आता हूँ। रूफ़ लेवल के आने के बाद जो है मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है स्टेयर रूम भी बनाना है, तो उसके लिए मैं वॉल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। 20 सेंटीमीटर का वॉल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने देना है रूफ़ लेवल से लेकर, सॉरी ये टॉप है, तो बेस कॉन्स्ट्रक्ट हमारे पास रूफ़ लेवल है। ओके, और जो टॉप हमारे पास है वो हमने देना है स्टेयर रूम लेवल तक, और उसको अप्लाई कर लेता हूँ। अब भी मैंने है जो है वाल बनाना है, वाल मैं क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ यहाँ से। ओके, स्पेस दबा देता हूँ। मैं पहले रफ बना लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उसकी डायमेंशंस। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं उसको जॉइंट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके, ये हमारे पास एक वाल बन गया। अभी अगर इस वाल को मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल 3 मीटर है। ओके, और वर्टिकल जो मुझे चाहिए, वर्टिकल जो है मुझे यहाँ से लेकर चाहिए, मुझे इस पॉइंट को मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, मुझे यहाँ से वहाँ तक कितना चाहिए, 7 मीटर हमें चाहिए, तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ, 7 मीटर। ठीक हो गया, ये हमें बना दिया इसका जो है स्टेयर रूम। ठीक हो गया। अभी मैं जो है रूफ़ लेवल के ऊपर आता हूँ। रूफ़ लेवल के ऊपर मैं इसका डोर भी जल्दी से दे देता हूँ। डोर के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं डोर देता हूँ W, कौन सा डोर दे दूँ मैं इसको, W1 दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर्स में आता हूँ, विंडो भी दे देता हूँ यहाँ पे, विंडो 2 मैं दे देता हूँ यहाँ पे, विंडो 2 इस साइड पे इक्वल। ओके, और इसका सीलिंग हाइट भी मैं जो है कम कर लेता हूँ। ठीक है, विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ, सॉरी विंडो के ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे जो है सीलिंग हाइट हमारे पास, उसको मैं 50 कर लेता हूँ और ओके। अभी अगर मैं 3D में देखूँगा तो ये देखिए हमारे पास जो है वो स्टेयर रूम भी रेडी हो गया। ठीक हो गया, और इसका जो है स्टेप भी यहाँ तक आ गए हैं। अब इसके ऊपर मैं स्लैब बनाऊँगा तो स्टेयर रूम के लेवल तक आ जाता हूँ मैं। और स्टेयर रूम के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अंडरले के ऑप्शंस में मैं इसको क्या करता हूँ, रूफ़ लेवल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ताकि हमें वो क्लियर उसका रेफरेंस नज़र आ जाए। तो उसके लिए मैं जो है स्लैब बना लेता हूँ, यानी उसका फ्लोर बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से रेक्टेंगल और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अगर 15 cm का वही स्लैब जो मैं अभी नीचे से लेके आ रहा हूँ, और अभी मैं इसको 3D में देखूँगा तो ये देखिए इसका भी हमने स्लैब बना दिया। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, स्टेयर बना दिए और इसके साथ जो है हमने स्टेयर रूम बना दिया। ठीक है, आप इसको जो है पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी आप लोगों को जो एग्जैक्ट लगे, तो मैं इसको सेंटर में रहने देता हूँ। अच्छा, अभी मैं अगर आप लोगों को स्टेयर दिखा दूँ, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप हाइड करके भी चेक कर सकते हैं एलिमेंट्स को, लेकिन जो ईजी तरीका है वो ये है। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखिए सेक्शन बॉक्स है, इसके ऊपर आप चेक मार्क लगा दें, और यहाँ पे अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक बॉक्स आता है, चेक बॉक्स। ठीक है, तो इस बॉक्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ एरोज़ हैं। ठीक है, वहाँ से आप उसकी मूवमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसको एरोज़ को पकड़ता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं जो है यहाँ से अगर देखूँगा राइट साइड से अगर मैं देखूँगा, देखिए यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर से हमारे पास जो है यहाँ पे रूफ़ तक जो है वो सारे स्टेयर्स रेडी हो गए। ठीक हो गया, तो इस तरह आप उसको बना सकते हैं। स्टेयर और स्टेयर रूम को कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।